बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा, सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। पांच गेंदों पर टीचर ने दो रन बनाए, छठी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्टूडेंट्स ने शोर मचाकर भरपूर खुशी जाहिर की। क्लास में टीचर ने पूछा, कौन कौन चाहता था कि मैं इसकी गेंद पर आउट हो जाऊँ? सब बॉलर्स ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर हंस दिए। पूछा, मैं क्रिकेटर कैसा हूँ? सब ने कहा, बहुत बुरे। पूछा, मैं टीचर कैसा हूँ? जवाब मिला, बहुत अच्छे। टीचर फिर हंस दिए, सिर्फ आप नहीं दुनिया भर में फैले हुए मेरे हज़ारों हाँ स्टूडेंट्स, जिनमें कई मेरे नज़रियाती मुखालिफ हैं, गवाही देते हैं कि मैं अच्छा टीचर हूँ। राज की बात बताऊँ, मैं जितना अच्छा टीचर हूँ इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे हमेशा सबक याद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और बात समझने में वक्त लगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इसके बावजूद मुझे अच्छा टीचर क्यों माना जाता है? सब ने कहा, सर आप बताएं क्यों? टीचर ने कहा, अदब। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने टीचर के घर दावत की तैयारी में इनकी मदद कर रहा था। फ्रीज़र से बर्फ़ निकाली, जिसे तोड़ने के लिए कमरे में कोई शय नहीं थी। उस्ताद काम के लिए कमरे से निकले तो मैंने मुक्का मार कर बर्फ़ तोड़ दी और उस्ताद के आने से पहले जल्दी से टूटी हुई बर्फ़ दीवार पर भी दे मारी। उस्ताद कमरे में आए तो देखा कि मैंने बर्फ़ दीवार पर मार कर तोड़ी है। उन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हें अकल कब आएगी, यूं बर्फ़ तोड़ी जाती है। मैंने इनकी डांट खामोशी से सुनी। बाद में उन्होंने इस बेवकूफ़ी का जिक्र कई जगह किया। मैं हमेशा बेवकूफ़ों की तरह सर हिलाकर इनकी डांट सुनता। इन्हें आज भी नहीं मालूम कि बर्फ़ मैंने मुक्का मार कर तोड़ी थी। ये बात मैंने इन्हें इसलिए नहीं बताई कि वो एक हाथ से माजूर थे। इनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मार कर बर्फ़ तोड़ दी, लेकिन जब उनकी माजूरी का ख्याल आया तो सोचा कि मेरे ताकत के मुजाहरे से इन्हें एहसास कमतरी ना हो, इसलिए मैंने बर्फ़ दीवार पर मारने की अहमकाना हरकत की और लंबे अरसे तक इनकी डांट सुनता रहा। और एक आप लोग हैं कि एक दूसरे को चीख चीख कर हिदायत दे रहे थे कि सर को यॉर्कर मार कर आउट करो। जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारने से ज़िंदगी में जीत के रास्ते खुलते हैं। आप ताकत में अपने टीचर्स और वालदेन से बेशक बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सबसे जीतना चाहते हैं तो अपने टीचर्स और वालदेन से जीतने की कोशिश ना करें, आप कभी नहीं हारेंगे। अल्लाह पाक आपको हर मैदान में सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मुतवातर मिल सके।